बाबा रामचोर दास कह गए, बेटा काबिल बन काबिल, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। लेकिन काबिल कैसे बने? हेलो, माय नेम इज बापू एंड वेलकम टू आवर एकेडमी ब्रेन स्पार्क, द एकेडमी ऑफ ह्यूमन मेकिंग। हर एक आदमी अपने लाइफ में कामयाब होना चाहता है, लेकिन आपको अगर कौन सी भी फील्ड में कामयाब होना है तो सबसे पहले आपको काबिल बनना बहुत ही जरूरी है। और काबिल बनने के लिए आपको बस इतना ही करना है, आपके जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं और मानव जीवन के जो भी बेसिक चीजें हैं उनके बारे में आपको अपना अवेयरनेस और सीरियसनेस बढ़ाना है। तो हमने हमारे एक्सपीरियंस से मानव जीवन के कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को और बेसिक चीज़ों को कंबाइन करके उसे एक कोर्स में कन्वर्ट किया है, जिसका नाम है सेल्फ प्रोग्रेशन, अ स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस इन यू बाय योर सेल्फ, आत्म विकास, खुद को खुद के जरिए हर दिन इम्प्रूव करते रहना। तो ये सेल्फ प्रोग्रेशन कोर्स हम अभी अपने इस वीडियो के साथ हम इस यूट्यूब चैनल के जरिए शुरू करने जा रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक है, तो सबसे पहले जो टॉपिक है वो है 5 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, मानवीय जीवन के 5 ऐसे महत्वपूर्ण पहलू जो आपको काबिल बनाने के लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलो जानेंगे क्या है वो 5 पहलू और क्या वो पहलू आपके पास है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला पहलू जो है माइंडसेट, आपकी मानसिकता, मतलब आपका सोचने का तरीका या आपकी सोच। और इस सोच के ऊपर 75% आपकी सफलता डिपेंड करती है। तो आप कौन सी डायरेक्शन में सोचते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप या निगेटिव डायरेक्शन में सोचते हैं या पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचते हैं। इस माइंडसेट एस्पेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो है कि आपको जमाने के साथ चलना है तो आपको जमाने के साथ बदलना चाहिए। आपका माइंड उस बदलाव के लिए हमेशा रेडी होना चाहिए। और जो भी बदलाव होता है उन बदलाव को आपका माइंड जितने जल्दी एक्सेप्ट करे उतने जल्दी आप अपने लाइफ में सक्सेस हो गए। जैसे कि मान लो आप एक स्टूडेंट है और आपके जो फेवरेट टीचर है उनका ट्रांसफर एक दूसरे स्कूल में हो गया, या आपने अपना स्कूल छोड़ के दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लिया, या फिर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में एक टीम के साथ बहुत दिन से काम कर रहे हैं और अचानक से उस ऑर्गेनाइजेशन में आपके बॉस चेंज हो गए, या आपकी जो टीम है उसे डिवाइड कर दिया गया, या आपको अकेले को उठा के दूसरे टीम में डाल दिया गया। तो आपके लाइफ में जो ये बदलाव हुआ उस बदलाव के लिए अगर आपका माइंड रेडी है और आपका माइंड उस बदलाव को जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट करता है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। आपका माइंड सेट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि माइंड के पास ही जो एबिलिटी है कि वो आपके सभी एक्टिविटी को कंट्रोल करे। इसलिए आपका माइंड सेट हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में होना चाहिए। हमारे लाइफ में हर दिन बदलाव होते रहते हैं। जैसे कि अभी का एक एग्जाम्पल ले लो, कोरोना। 2 साल पहले की हमारी लाइफ और अभी की हमारी लाइफ और अभी का जो हमारा डेली रूटीन है इसमें बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं। 2 साल पहले हम मास्क नहीं लगाते थे, अभी हम मास्क लगाते हैं, सोशल डिस्टेंस रखते हैं। तो ये आदतें हमने अपने आप में जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट की है। ऐसे ही अपने माइंड को जो भी बदलाव होते हैं वो जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट करना चाहिए और हमारा माइंड हमेशा उस बदलाव के लिए रेडी रहना चाहिए। अगर आपको काबिल बन के कामयाब बनना है तो सबसे पहले आपका माइंड सेट होना बहुत ही ज़रूरी है। और आपका माइंड हर दिन कुछ भी नया बदलाव के लिए रेडी रहना चाहिए। और जो भी बदलाव होते हैं उन बदलाव को आपके माइंड ने जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट करना चाहिए। सो इन माइंडसेट एस्पेक्ट, ऑलवेज रेडी फॉर चेंज एंड एक्सेप्ट द चेंजेस एज अर्ली एज पॉसिबल। अगर आपका माइंडसेट एक अच्छे लेवल पे है, आपकी मानसिकता पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो आपके सामने कौन सी भी सिचुएशन आने दो, उस सिचुएशन में आप अपने आप को अच्छे से परफॉर्म करोगे और उस सिचुएशन को
अच्छी तरह से हैंडल करोगे। तो इस माइंडसेट मानसिकता एस्पेक्ट में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमें हमेशा जो भी बदलाव होते हैं उन बदलाव के लिए रेडी रहना चाहिए, और जो भी बदलाव हुए हैं उन बदलाव को जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर आपको लगता है जो मैंने बताया वो सही है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ के अपने आप को हर दिन इम्प्रूव करते रहे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में दूसरे एस्पेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।